इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे सर्किट्स जिनमें कोई टू पोल लो पास फिल्टर डेवलप हो जाता है, यानी ऐसे सर्किट्स, ऐसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स जिनमें कोई इंडक्टर और कैपेसिटर एक ही नोड पर कनेक्टेड होते हैं, यानी एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर अगर ऐसे एक ही नोड पर कनेक्टेड हों, तो ऐसे सर्किट्स के अंदर आप या तो इंडक्टर करंट में रिपल कैलकुलेट नहीं कर सकते या कैपेसिटर की एवरेज वोल्टेज में रिपल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने देखा था कि एक बक कन्वर्टर की एग्जांपल जब हमने की तो उसमें हम इंडक्टर करंट रिपल तो कैलकुलेट कर पा रहे थे स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन अज्यूम करते हुए, यानी कि डेल्टा आई एल को अज्यूम करते हुए कि वो मच मच स्मॉलर देन कैपिटल आई एल है, और हमने इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन जब हमने ज्यूम किया कि डेल्टा वी सी भी मच स्मॉलर देन कैपिटल वी सी होगा, तो हमने देखा कि हम ये रिपल कैलकुलेट कर नहीं पा रहे थे, हम वोल्टेज में रिपल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इंडक्टर करंट था स्मॉल आई एल, वो बेसिकली कैपिटल आई एल एवरेज वोल्टेज और एक रिपल के सम के बराबर था, यानी डेल्टा आई एल। यानी बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इंडक्टर करंट को अगेंस्ट टाइम प्लॉट करूं तो मुझे पता चलेगा कि एक उसकी एवरेज वैल्यू होगी कैपिटल आई एल, उसके ऊपर और नीचे एक छोटा सा रिपल फ्लो कर रहा होगा ऐसे, और ये रिपल पीरियोडिक होगा, बेसिकली डी टी एस यहाँ पर होगा और जब इसकी एक वैल्यू कंप्लीट होगी तो ये बेसिकली टी एस पर होगा। ये जो इसकी वैल्यू है ये आई एल है, और जितना इसे ऊपर और नीचे ये डेविएट कर रहा है ये डेल्टा आई एल है, दोनों साइड्स पर डेल्टा आई एल है। अब जो कि हम देख सकते हैं कि ये एक एसी और डीसी सिग्नल के सम के बराबर है, कि एक एसी सिग्नल है जो जो डेल्टा आई एल है बेसिकली, वो एक कैपिटल आई एल डीसी पर फ्लो करता हुआ जा रहा है जो इस डायरेक्शन में सामने की तरफ फ्लो कर रहा था। जब वो इस नोड पर पहुंचता है तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो रेजिस्टर है लोड, सारा का सारा डीसी करंट आई एल इसमें से फ्लो करता है, और जो स्मॉल करंट था ये रिपल, ये सारा इस कैपेसिटर में से फ्लो करता है। जो कि हम ज्यूम करते हैं कि आइडियली ये कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट टू एसी सिग्नल्स और एज एन ओपन सर्किट टू डीसी सिग्नल्स, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जो डेल्टा आई एल सिग्नल था बगैर डीसी ऑफसेट के सारा का सारा इस कैपेसिटर में से फ्लो कर जाता है। यानी मैं अगर कैपेसिटर करंट की वेव फॉर्म बनाऊँ इसी को एक्सटेंड करते हुए कि कैपेसिटर करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा था, ये पहले वाली जो वेव फॉर्म थी ये इंडक्टर करंट के लिए थी, अगर मैं कैपेसिटर करंट के लिए बनाऊँ तो मैं ये ज्यूम करूँगा कि ये जो जीरो की लाइन है इससे ऊपर इसी तरह राइज करती हुई गई और फिर वापस नीचे आई, फिर राइज करती हुई गई, यानी बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड है इस वेव फॉर्म के साथ ही, ज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। और ये मेरे कैपेसिटर करंट की इक्वेशन बन गई है, जितना इसमें राइज और फॉल आ रहा है बेसिकली ये डेल्टा आई सी है, और चूंकि मैंने इसको डिफाइन ही ऐसे किया है तो ये डेल्टा आई सी जो है बेसिकली डेल्टा आई एल के बराबर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक कैपेसिटर के लिए जो उसमें से गुजरने वाला करंट है वो सी डी वी बाय डी टी होता है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वेव फॉर्म को देखूं, इस वेव फॉर्म को, तो ये कैपेसिटर वोल्टेज का डेरिवेटिव की वेव फॉर्म भी है। यानी मैं अगर इसका इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटर की वोल्टेज की वेव फॉर्म डेवलप करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे कैसे नज़र आएगी? बेसिकली मैं ये देखूँगा कि एक अगेंस्ट टाइम एक कैपेसिटर की एवरेज वोल्टेज है वी सी जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है डी वी जी, इसके ऊपर एक रिपल फ्लो कर रहा है, लेकिन उस रिपल की शेप करंट के रिपल की शेप से मुख्तलिफ होगी, जो कि जो रिपल अगर आप देखें तो ये कॉन्स्टेंटली राइज करता हुआ जा रहा था, बेसिकली एक कॉन्स्टेंट डेरेवेटिव है, यानी कि एक डेरेवेटिव जो है वो एक कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीज़ कर रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब है, और एक पॉइंट पर जाकर दो पॉइंट्स पर, बल्कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, एक पीरियड के अंदर दो पॉइंट्स पर ये डेरेवेटिव ज़ीरो भी होता है। एक तो ये इस पॉइंट पर डेरेवेटिव ज़ीरो हो जाता है, इसे मैं टी वन कह देता हूँ, एक इस पॉइंट पर ज़ीरो हो जाता है जिसे मैं टी टू कह देता हूँ। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मुझे प्लॉट करना है कि मुझे कैपेसिटर की वेवफॉर्म कैसी नज़र आएगी। इस वी सी के ऊपर इसने ऑसिलेट करना है, तो ये कैसे करेगा? दरमियान में एक पॉइंट पर ज़ीरो हुआ, इसका मतलब है कहीं से एक वैल्यू आ रही थी, आते थे एक पॉइंट पर, एक एक प्लेन हो गया, ये जो कर्व था ये प्लेन हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसने राइज करना शुरू किया, करते करते एक ऐसे पॉइंट पर आया जहाँ पर जाके फिर से प्लेन हो गया, और फिर से इसने डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया,
तो यानी मैं अगर इसको प्लॉट करूँ थोड़ा सा नीट करके तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। अपनी एक कांस्टेंट वी सी की वैल्यू के ऊपर ये ऑसिलेट करता हुआ जा रहा होगा, और जो इसकी ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड होगा अबव एंड बिलो वी सी वो डेल्टा वी सी होगा। और अब मैं करूँगा ये कि टी वन और टी टू के दरमियान के एरिया को इंडिकेट कर लूँगा। ऐसा करने से होगा ये कि ये जो ये कर्व था, ये जो इतना पोर्शन है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे पता है कि जो एरिया इस ट्राइंगल का है, यानी बेसिकली मैं इस इक्वेशन और इन वेव फॉर्म्स को यूज़ करूँगा, तो मुझे पता है अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा आई सी को टाइम के ऊपर फ्रॉम टी वन टू टी टू वन डिवाइड बाई सी के ऊपर, तो बेसिकली मैं वोल्टेज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ वी वन और वी टू के दरमियान में, कैपेसिटर वोल्टेज को। और वी वन जो वोल्टेज है वो इस पॉइंट पर है, वी टू वोल्टेज इस पॉइंट पर है, वी वन वोल्टेज इस पॉइंट पर है। मैंने पहले डिफाइन कर दिया है कि नीचे भी डेल्टा वी सी और ऊपर भी डेल्टा वी सी। तो बेसिकली जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्यूएट करूँगा तो ये बनेगा वन बाई सी मल्टीप्लाइड बाय, ये जो इंटीग्रल है बेसिकली सिर्फ एरिया अंडर द कर्व होगा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये कितना है एक ट्राइंगल का एरिया, वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय बेस। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी बेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो बेस का मैग्नीट्यूड है वो वन बाई टू इंटू बेस, और जो बेस है वो टी एस डिवाइडेड बाई टू होगी, और जो हाइट है वो डेल्टा आई एल है। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो वोल्टेजेस का डिफरेंस है वो है वी टू माइनस वी वन, जो मुझे पहले ही पता है कि वो है डेल्टा वी सी माइनस माइनस डेल्टा वी सी, यानी कि टू टाइम्स डेल्टा वी सी। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लूँ तो सिंपली जो डेल्टा वी सी है कैपेसिटर वोल्टेज मेरे पल वो हो जाएगा टी एस डेल्टा आई एल डिवाइडेड बाय 8C, जो हमने कैपेसिटर वोल्टेज में रिपल कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसे सर्किट में जिसमें एक टू पोल फिल्टर डेवलप हो रहा हो, जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर एक ही नोड पर कनेक्टेड हो।